हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पालक पनीर बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पालक पनीर बनाना। पालक पनीर बनाने के लिए ये हमने पालक लिया है, ये हमने दो गुच्छी पालक की ली है। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और साफ कर लिया है। अब मैं इसे सबसे पहले उबालने रखूंगी पालक को। ये मैंने एक पतीला लिया है और इसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है और अब मैं इसको पालक को उबलने के लिए रख दूंगी। मैं पालक को ऐसे ही उबलने रखूंगी, काटूंगी नहीं। अब मैं पालक के अंदर आधा चम्मच चीनी डाल दूंगी क्योंकि इससे हमारा पालक का कलर ग्रीन ही रहेगा। मैं ढक के उबलने दूंगी। 5 से 10 मिनट में ये उबलकर तैयार हो जाएगी हमारी पालक। पालक उबलता है, ये मसाले चेक कर लेते हैं। ये मैंने 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। 3 बड़े प्याज लिए हैं, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। 3 ही मैंने टमाटर लिए हैं, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है। और ये मैंने पनीर लिया है, ये 300 ग्राम के आसपास पनीर है। और पनीर को मैंने इस प्रकार पीसेस में कट कर लिया है। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, हल्दी पाउडर मैंने 1/4 चम्मच ली है और 1/2 चम्मच मैंने देगी मिर्च ली है और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि पालक में भी नमक होता है इसलिए आप नमक अपने स्वाद अनुसार डालना। और ये मैंने 2 सूखी लाल मिर्ची ली है, 1 मैंने तेज पत्ता लिया है, 4 मैंने लौंग ली है और 1 मोटी इलायची ली है। तेज पत्ते के मैं 2 टुकड़े कर लेती हूँ। तो आइए पालक को चेक करते हैं हम। और ये हमारा पालक उबल कर तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और पालक को मैं ठंडा होने दूंगी। जब तक हमारा पालक ठंडा होता है तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई को मैं गर्म होने दूंगी और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी कढ़ाई के अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। फिर मैं ये खड़े मसाले भी डाल दूंगी इसमें। लहसुन डाल दूंगी, और ये हमारा लहसुन भुनने लगा है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी। और प्याज को मैं भूनने दूंगी। ये हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल दूंगी और साथ ही ये मसाले भी डाल दूंगी मैं इसमें, और ये टमाटर भी डाल दूंगी मैं। मसाले को अच्छे से भून लूंगी मैं। जब तक ये हमारा मसाला भूनता है तब तक मैं इस पालक को मिक्सी में पीस लेती हूँ, या ग्राइंडर भी कर सकते हैं आप इसे। और ये मैंने पालक को ग्राइंड करके इस बाउल के अंदर डाल लिया है और इधर हमारा ये मसाला भून कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये पालक डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको मैं। और
और ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और ये देखो हमारा कितना ग्रीन पालक बना है। ये हमने जो चीनी डाली थी उससे ये कलर आया है हमारी पालक का। और इसी में अब पनीर डाल दूंगी इसके अंदर और इसे मिक्स कर लूंगी मैं। और इसे मैं ढक के 5 से 10 मिनट के लिए इसी प्रकार से पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं। और ये हमारा पालक पनीर बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। और ये मैंने एक छोटे सॉस पैन में 1 चम्मच घी लिया है देसी। ये हमारा घी गरम हो चुका है और ये हमने एक छोटा प्याज को लंबे में कट करा है और इसे मैं थोड़ा सा भून लूंगी प्याज को। और ये हमारे प्याज भून चुके हैं। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसमें 1/4 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब मैं ये डाल दूंगी और इसे मैं एक बाउल में सर्व करूंगी। और ये हमारा पालक पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।